आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, लगातार वह जंपिंग करता है, रॉकिंग करता है, या फिर पेसिंग बैक एंड फोर्थ करता है, या फिर वह स्पिनिंग के बिहेवियर्स भी करता है, तो ये सब साइंस हो सकते हैं बच्चों में वेस्टिबुलर स्टीमिंग के। जानेंगे इस वीडियो में कि वेस्टिबुलर स्टीमिंग को घर पर ही किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेंसरी सेंस के बारे में, जिसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर सेंस। वेस्टिबुलर सेंस हमारी वो सेंस है जो हमारे बच्चों को, जो हमें बताती है कि हमारी बॉडी स्पेस में कहाँ है। लेकिन अक्सर जिन बच्चों को वेस्टिबुलर सेंस को लेकर इश्यूज होते हैं, वो लगातार फिजिटिंग करते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, इधर उधर भागते दौड़ते हैं, जिससे हम हाइपर एक्टिविटी का नाम देते हैं। हाइपर एक्टिव बच्चे जिनकी सेंस पर, इस सेंस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा किया जा सके और उनमें उन बिहेवियर्स को कम किया जा सके जो अक्सर उनकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उनमें रुकावट डालते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो बिहेवियर्स, उन बिहेवियर्स के बारे में जिन्हें हम स्टीमिंग बिहेवियर्स कहते हैं। वेस्टिबुलर स्टीमिंग क्या है? वेस्टिबुलर स्टीमिंग का मतलब है कि आपका बच्चा लगातार मूवमेंट को सीख करने की कोशिश करता है। सीख वो किसी तरह से, अलग अलग तरह से बच्चे मूवमेंट को सीख करने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर सोशली इनएप्रोप्रिएट लगता है कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि पब्लिक प्लेस में हैं हम, या कहीं किसी के घर भी गए हैं, तो पार्क में भी है, अगर बच्चा अजीब अनयूजुअल वे में अपनी बॉडी को मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है बच्चे को वेस्टिबुलर सेंस को लेकर इश्यूज हैं। तब ज़रूरत होती है हमें बच्चों के इन बिहेवियर्स को समझने की और उन पर काम करने की। सबसे पहले मैं जिस स्टीमिंग बिहेवियर के बारे में बात करूंगी वो है जंपिंग। जंपिंग के इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि नीड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी तरह से खुद जंप करके, कभी वो सोफ़ा पर या काउच पर जंप करके उस नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि बच्चे इस तरह से जंप करते हैं, और कई बार ये खतरनाक भी हो सकता है बच्चों के लिए, तो हमें उस बिहेवियर को किस तरह से कम करना है। यहाँ पर मैं बात करूँगी, हम उसकी जंपिंग को रोकेंगे नहीं कि उसे जंप नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम रोकते हैं, बच्चे कहीं दूसरी जगह जाकर जंप करते हैं। हमें बच्चों को एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट देना है जहाँ पर बच्चे को जंप करना है, एक ऐसी जगह देनी है, एक कॉर्नर रखो बच्चे के रूम में, जहाँ पर बच्चे को सिर्फ वहीं पर ही आप जंप अलाउ करेंगे, कहीं और बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, कि आप बच्चे को जंप करने के लिए सिर्फ एक प्लेस देंगे और वहीं पर बच्चे को जंप करना है, ताकि बच्चा ये समझ जाए कि मुझे यहीं पर जंप करना है, जब भी मुझे नीड हो मुझे जंप करना है तो मुझे अपने रूम में कॉर्नर में आके जंप करना है। और कॉर्नर में जंप करने के लिए आप बच्चे को एक पिलो दे सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैम्पोलिन अवेलेबल नहीं है तो पिलो पर भी बच्चे को जंप करवाया जा सकता है। पिलो जब बच्चे को आप दिया है, बच्चे को जंप करवाइए, लिमिटेड टाइम के लिए करवाइए, जितना वो करना चाहता है, उसके बाद आप पिलो से वापस रखने के लिए बोलिए और उसी से ही पिलो को उठवा के उसे जंप करने के लिए बोलिए। इस तरह से बच्चे समझ जाते हैं कि मुझे भी जंपिंग की जब भी नीड है तो मुझे वहाँ से पिलो लेना है और मुझे उस पर जंप करना है और वापस मुझे पिलो वहीं रखना है। इससे आप बच्चों को एक बिहेवियर बच्चों में बना रहे हैं कि अपनी नीड्स को किस तरह से इंडिपेंडेंट वे में उसे अपनी इस सेंसरी नीड को पूरा करना है। क्योंकि बच्चे, अगर हम इन बिहेवियर्स से रोकते हैं तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। बहुत ज़रूरी है कि इन बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जाए और एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सही प्लान के साथ में। दूसरी चीज़ होती है कि हम बच्चों को ट्रैम्पोलिन दे सकते हैं। अगर घर पर आपके ट्रैम्पोलिन अवेलेबल है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आपके बच्चे को वेस्टिबुलर सीकिंग के बिहेवियर्स हैं, क्योंकि जंपिंग के लिए ट्रैम्पोलिन बेस्ट थेरेपी है। इससे ना सिर्फ बच्चों को वेस्टिबुलर सेंसरी इनपुट मिलता है, बल्कि इससे बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फर्क देखा गया है। ट्रैम्पोलिन थेरेपी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है जब बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग के इश्यूज हैं। दूसरी चीज़ होती है कि हम अक्सर ट्रैम्पोलिन पर 5 साल, लोग कहते हैं कि 5 साल तक बच्चे को हम जंप अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हाथ पकड़ कर बच्चे को जंप करवा रहे हैं तो ये बच्चों के लिए सेफ है। और आप बच्चे को जंप करने के लिए, अगर आपके पास नेट वाला ट्रैम्पोलिन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप हाथ पकड़ के, अगर आपका बच्चा स्पेशली 5 ईयर से कम है तो उसके हाथ पकड़ कर आप जंप करवाएंगे। इससे दो फायदे होते हैं कि एक तो आपके बच्चे की सेफ्टी रहती है, बच्चा सेफ रहता है, क्योंकि वो चाहे जितना भी मर्जी जंप कर ले, लेकिन वो आप उसके हाथ आपके हाथ में है, उसके गिरने के चांसेस कम हैं। दूसरा कि बच्चा ज़्यादा हाइपर नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चे इतना ज़ोर से जंप करते हैं कि बच्चे ज़्यादा हाइपर होते हैं, क्योंकि उससे बच्चों को ओवर स्टिमुलेशन मिल रहा है। इसीलिए मेक श्योर कि जब आप कोई चीज़ बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसे अपने सुपरविजन में बच्चे को दीजिए, ताकि बच्चा उसे गलत वे में यूज़ ना करे।
या मैं बात करूंगी कि जंपिंग, अगर हम जंपिंग से बच्चे को रोकते हैं, जंपिंग को लेकर भी बहुत से बच्चों को मैंने इशूज़ देखे हैं कि कुछ बच्चे जंप कर ही नहीं पाते हैं। या मैं बता दूं कि 3 ईयर्स का बच्चा जंप करना सीख जाता है, लेकिन अगर आपका बच्चा 3 ईयर्स का हो चुका है और जंप नहीं करता है तो उसे घर पर ज़रूर सिखाइए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ग्रॉस मोटर माइलस्टोन है जो बच्चों में होना ज़रूरी है। अब मैं बात करूँ अगर आपका बच्चा बड़ा है तब भी हम बच्चे को हैवी बैग दे सकते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है और अगर वो जंप कर रहा है तो वो कंट्रोल्ड रहेगा क्योंकि उसके पास हैवी बैग है। जब उसने कोई हैवी वेट कैरी किया हुआ है तब चांसेस होते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा जंप नहीं करते हैं। जंप जितना ज़्यादा हाई होता है बच्चों को स्टिमुलेशन उतना ही ज़्यादा मिलता है। स्टिमुलेशन हमेशा कंट्रोल्ड वे में दिया जाए तो वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल वे में नहीं दिया जाता तो इससे ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है और बच्चे और ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। दूसरे बिहेवियर की मैं बात करूँ तो दूसरा बिहेवियर जो स्टीमिंग बिहेवियर होता है वो है बाउंस करना। बच्चे बहुत जोर से बाउंस करते हैं। बाउंसिंग का मतलब है कि ऊपर उछलते रहना जिसे कहते हैं। इसका एक वजह यह होती है कि बच्चों को नीड है उस चीज़ की, जो उनको इनपुट वो मूवमेंट उन्हें मिल रही है बच्चों को बाउंसिंग से। तो बाउंसिंग जो है वो अगर बच्चा आपका बिना किसी टूल के, सेंसरी टूल के बच्चा इसी तरह से बाउंसिंग कर रहा है तो वो थोड़ा हमें अजीब लगता है, लेकिन अगर बच्चे को हम बाउंस करने के लिए एक बॉल दे दें, थेरेपी बॉल दें, तो वो एक बच्चों के लिए एक सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर बन जाता है। थेरेपी बॉल पर बाउंस करना बहुत अच्छी थेरेपी है, बच्चे को आप हाथ पकड़ के करवाइए या फिर अगर बच्चे का बैलेंस वीक है तो आप उसकी बॉडी को भी पकड़ सकते हैं, इससे बच्चों का आई कॉन्टैक्ट भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि हमें बच्चे के बिहेवियर को सोशली अप्रोप्रिएट बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को पता हो, क्योंकि बच्चे यूज टू हो जाते हैं इन चीज़ों के। अगर आप बच्चे को बाउंस करने के लिए बॉल देने हैं तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे बाउंस यहीं पे करना है। ये चीज़ों में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन बच्चे इस बात को ज़रूर सीखेंगे। नेक्स्ट बिहेवियर की मैं बात करूँ तो वो है कि बच्चे स्पिन बहुत करते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो लगातार गोल गोल घूमते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे लगातार राउंड राउंड घूमना, और वो घूमना जो है वो इतना ज़्यादा होता है कई बार कि हम परेशान हो जाते हैं। कई बार बच्चे सिर को भी हिलाते हैं, खाली सिर को भी हिला सकते हैं जिन बच्चों को वेस्टिबुलर को लेकर इश्यूज हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को स्पिनिंग की एक्टिविटीज़ दें। स्पिनिंग का मतलब है हम बच्चों को ऑप्शन दे सकते हैं एक सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि इस बिहेवियर को एक सही जगह पर रीडायरेक्ट करना। यहाँ पर मैं बात करूँगी अगर बच्चे को चेयर देते हैं या फिर स्पिनर देते हैं बच्चों के लिए वो बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे बच्चे की सेंसरी नीड्स मीट हो रही हैं और साथ ही ये सोशली अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। आपके बच्चे का जिस तरह का भी बिहेवियर है अगर उस हिसाब से आप बच्चे को ऑप्शन देते हैं तो वो बिहेवियर बच्चों में डेफिनेटली कम होंगी। इसके अलावा बच्चे को आप स्पिनिंग की एक्सरसाइज करवाइए जिसमें कि आप 5 सेकेंड एक तरफ और 5 राउंड बच्चे को दूसरी तरफ। ये जो एक्टिविटी है सिर्फ 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 सेकंड बच्चे को लेफ्ट घूमना है और 5 सेकंड्स राइट घूमना है। तो इस एक्सरसाइज में आप बच्चे को स्टार्टिंग में बता सकते हैं कि स्पिनिंग टाइम है तो बच्चे को घूमने के लिए बोलिए। स्पिनिंग टाइम का मतलब है कि उसे स्पिन करना है, अदरवाइज आप बच्चे को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये एक बच्चा जब अपनी बॉडी को घुमा रहा है इससे भी बच्चों को इंटेंस इनपुट मिलता है जिससे कि बच्चे शांत होते हैं। इसके अलावा बच्चों को हॉपिंग या जंपिंग की एक्टिविटीज दी जा सकती है जिन बच्चों को जंपिंग या बाउंसिंग के इश्यूज हैं। नेक्स्ट वन इज स्विंगिंग। अब आपने नोटिस किया होगा कि कई बार बच्चे कार को या बाइक पर जाना बहुत पसंद करते हैं, अक्सर डिमांडिंग होते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्हें कार पर घूमने जाना है या उन्हें बाइक पर जाना है। हम ये चीज़ें समझ नहीं पाते कि बच्चा ऐसा क्यों करता है, क्योंकि बच्चों को सेंसरी नीड्स बच्चों की वहाँ पर मीट हो रही हैं, बच्चे की सेंसरी नीड्स पूरी हो रही हैं। जब बच्चे को स्टिमुलेशन मिल रहा है कि बच्चे को बिना हिले वो चीज़ें घूमती हुई वो मूवमेंट मिल रही है उसको, क्योंकि उसकी बॉडी कार में जब बैठा है तो कार चल रही है तो बच्चे की बॉडी मूव हो रही है और बच्चे को स्टिमुलेशन बैठे बिठाए मिल रहा है, चीज़ें मूव होती उसे दिख रही हैं। इस वजह से भी बच्चे जो है अक्सर राइड्स की डिमांड करते हैं और अक्सर बच्चे स्विंग्स भी चाहते हैं, उन्हें स्विंग्स बहुत पसंद होते हैं जिन बच्चों को वेस्टिबुलर सीकिंग के बिहेवियर्स होते हैं, क्योंकि उससे बॉडी को मूवमेंट मिल रही है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे स्विंगिंग करते हैं हम उन्हें अपने सुपरविजन में अगेंस्ट स्विंगिंग करवाएं, क्योंकि जब बच्चे स्विंग करते हैं तो कई बार वो बहुत ज़्यादा हाई करते हैं जिससे कि ओवर स्टिमुलेशन हो सकता है ब्रेन में और उस वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है। अगर आपने राइड्स कभी ट्राई किए हो तो उसमें भी आप देखते हैं कि जब कुछ ज़्यादा ऊपर हम जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो यही बच्चों में है कि आपको जब भी कोई स्विंग देना है बच्चे को लीनियर फर्स्ट तो लीनियर डायरेक्शन में दीजिए। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है कि एक कंट्रोल्ड वे में देना, स्लो जिसे हम कहते हैं देना, क्योंकि स्लो स्विंगिंग और लीनियर वे में ये बच्चों को जो हाइपर एक्टिव बच्चा है उसे काम भी रखती है और साथ ही बच्चों की सेंसरी नीड्स को भी पूरा करती है। नेक्स्ट वन इज पेसिंग बैक एंड फोर्थ। अब बच्चे आगे या पीछे इस तरह से कई बार मूव करते हैं
उसके बहुत से रीज़न हो सकते हैं। या मैं कहना चाहूँगी कि स्टिमिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को अगर सेंसरी नीड्स हैं इस वजह से ही करता है। कई बार बच्चे एंग्जाइटी के चलते भी करते हैं, कई बार बच्चे हेल्थ इश्यूज़ के चलते भी करते हैं, या कई बार बच्चे बोर हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो वो अवॉइड करना चाहते हैं। तो बिहेवियर्स के कई रीज़न्स हैं, लेकिन रीज़न कोई भी है, आपको ये सेंसरी इनपुट बहुत हेल्प करेंगे बच्चों के इन बिहेवियर्स को कम करने में। दूसरा, हमें उन रीज़न्स को ढूंढकर उन रीज़न्स पर भी काम करना है जो बच्चों में इन बिहेवियर्स की वजह बनते हैं। पेसिंग बैक एंड फोर्थ के को कम करने के लिए, अगर बच्चा आपका आगे पीछे इस तरह से चलता है, वो एक स्मूथली वॉक नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि बच्चा फोकस होकर स्टिल होकर कहीं नहीं बैठता है। तो इस वजह से बच्चों की सिटिंग भी काफ़ी इफेक्ट होती है, बच्चे लगातार फिजिट भी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है जिससे कि बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा किया जा सके। अब इनमें मैं बात करूंगी कि बच्चे को अगर आप फॉरवर्ड जंपिंग देते हैं या दीजिए, फिर उसे बैकवर्ड जंपिंग करवाइए, इससे बच्चों की वो सेंसरी नीड्स मीट होती हैं जो अक्सर बच्चे जिस वजह से ये बिहेवियर करते हैं। और ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों की इन बिहेवियर्स को कम करेगी, क्योंकि इससे बच्चों को वो इनपुट मिल रहा है जो उन्हें अक्सर इस बिहेवियर के साथ मिलता है। या फिर बच्चे को आप फॉरवर्ड रनिंग या बैकवर्ड रनिंग की एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल है। रनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, अगर आपके बच्चे को वेस्टिबुलर इशू है तो आप उसे रनिंग ज़रूर करवाइए, क्योंकि रनिंग का बिहेवियर भी बहुत कॉमन है जिन बच्चों को वेस्टिबुलर सीकिंग को लेकर बिहेवियर होते हैं। या मैं बात करूँगी कि अगर आप बच्चे को रनिंग करवा रहे हैं तो उसको टारगेट में रनिंग करना सिखाइए, क्योंकि अगर बच्चे लगातार बिना देखे दौड़ते हैं तो ये चीज़ें बच्चों के लिए कई बार काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। बच्चे रोड पर बिना देखे दौड़ते हैं, तो हमें ये चीज़ें कि बच्चे को पता हो कि मुझे रन करना है तो एक चीज़ों को देख कर करना है, ये चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं। अगर आपने टारगेट दो दिए हैं कि इसके बीच में बच्चे को बोलना है कि रन करना है, तो बच्चे इन चीज़ों को समझ जाते हैं। जब आप रनिंग को एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी बनाते हैं तो उससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी तो कम होती ही है, लेकिन साथ में बच्चे एक प्रॉपर वे में रन करना सीखते हैं। नेक्स्ट बिहेवियर जो कि बहुत ही कॉमन है जिन बच्चों को वेस्टिबुलर सीकिंग के बिहेवियर होते हैं, वो है रॉकिंग करना। रॉकिंग आगे बैक एंड फोर्थ जिसे हम कहते हैं, या लेफ्ट टू राइट, किसी भी वे में बच्चा कर सकता है। मतलब एक ही है कि बच्चे को अपनी बॉडी को मूव करना है, वो किसी ना किसी वे में मूव करके उस स्टिमुलेशन को लेने की कोशिश कर रहा है, सेंसरी इनपुट लेने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए रॉकिंग चेयर एक बेस्ट और एक्सीलेंट सेंसरी टूल है बच्चों के इन बिहेवियर्स को अप्रोप्रिएट वे में उसकी सेंसरी नीड्स को पूरा करने का। क्योंकि जब बच्चा रॉकिंग चेयर पर बैठा है तो वो रॉक भी कर रहा है, तो वो इन अप्रोप्रिएट कहीं से भी नहीं है। रॉकिंग चेयर पर अक्सर लोग बैठते हैं तो वो रॉकिंग करते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। आप बच्चों के, अगर आपके बच्चे को, आप ये जो सेंसरी टूल्स मैं आपको बता रही हूँ, अपने बच्चे की नीड्स के हिसाब से लीजिए कि आपके बच्चे को किस तरह का बिहेवियर है, कि उसके अकॉर्डिंग ही आप सेंसरी टूल को चूज़ कीजिए कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन से सेंसरी टूल की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपके बच्चे को रॉकिंग के बिहेवियर है तो रॉकिंग चेयर, अगर बाउंसिंग के बिहेवियर है तो थेरेपी बॉल, अगेन बच्चे की नीड्स के हिसाब से ही सेंसरी टूल्स को चूज़ करेंगे तो वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ ही ज़रूरी है कि बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके डे शेड्यूल में जो उनकी हाइपर एक्टिविटी को भी कम करेगी और उन्हें वेस्टिबुलर इनपुट देने में भी हेल्प करेगी। जैसे कि बच्चों को वॉक करवाना, वॉक करवाने के लिए अगेन आप बच्चे को टारगेट में बच्चे को वॉक करवाएंगे जिससे कि बच्चों की सेंसरी नीड्स पूरी होती हैं और बच्चे वॉक करना सीखते हैं। क्योंकि अक्सर हाइपर एक्टिव बच्चे वॉक करना नहीं सीखते हैं, बच्चे दौड़ना दौड़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सेंसरी नीड है, लेकिन जब बच्चे वॉक करना सीख जाते हैं तो वॉक का मतलब समझ जाते हैं तो बच्चे वॉक भी करते हैं। और वॉक हम बच्चे को खुद हाथ पकड़ के करना सिखाएंगे, क्योंकि रोड पर अगर आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे अगर हाइपर एक्टिव है तो उसका हाथ पकड़ के हम डेली बच्चे को वॉक करने के लिए लेकर जा सकते हैं। चाहे आप थोड़ी देर की वॉक कीजिए, लेकिन धीरे धीरे बच्चे समझना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों को सेफ और डेंजर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं होता है, वो बच्चे भी रोड पर चलकर देखना सीखते हैं, क्योंकि बच्चे आपको देखकर सीखते हैं। जब आप बच्चे का हैंड होल्ड करके बच्चे को लेकर जा रहे हैं, हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं, तो बच्चा आपके कंट्रोल में होता है। बच्चे को ये चीज़ें सिखाइए कि रोड पर उन्हें किस तरह से चलना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा स्कूटर बोर्ड एक बहुत अच्छा जरिया है बच्चों को सेंसरी इनपुट देने का। अगर आपके बच्चे को वेस्टिबुलर बिहेवियर्स हैं, चाहे बच्चा आपका सिंपली बैक एंड फोर्थ भी कर रहा है स्कूटर बोर्ड पे, उससे भी बच्चों को इंटेंस इनपुट मिलता है। दूसरा है कि आप बच्चे को कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं जैसे कि जंपिंग चेक करवाना, जिससे कि बच्चों के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम हो। बैलेंस बोर्ड एक बहुत अच्छा जरिया है बच्चों में उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम करने का, और साथ ही ये बच्चों में वेस्टिबुलर स्टीमिंग के बिहेवियर्स को भी कम करता है। हाइपर एक्टिव बच्चों को लेकर जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को लेकर इश्यूज रहते हैं, उन्हें कम करने में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। इस एक्टिविटी में बच्चा स्कूटर बोर्ड पर लेटा हुआ है और बॉल के साथ में वो प्ले कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है। नेक्स्ट इज़ हैंगिंग अपसाइड डाउन, जिसमें बच्चे को
बेड के ऊपर लिटाएंगे या टेबल पर लिटाएंगे और हेड को नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ रखेंगे और ऊपर से बच्चे को विजुअल्स दिखाएंगे, यानी कि छत के ऊपर विजुअल्स दिखाना। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटेंस सेंसरी इनपुट मिलता है। जिन बच्चों को स्पेशली विजुअल स्टिमिंग के बिहेवियर्स होते हैं या जिन बच्चों को वेस्टिबुलर स्टिमिंग के बिहेवियर्स होते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ भी बच्चों में वेस्टिबुलर स्टिमिंग बिहेवियर्स को कम करती हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। इसके साथ ही बॉल को किक करना एक बहुत ही अच्छा सेंसरी इनपुट बच्चों को देता है। बॉल को किक करना, बच्चे को लगातार किक करके बोलिए उसे कि एक जगह से वो दूसरी जगह तक बॉल को किक करके लेकर जाए। बॉल ऐसी लीजिए जो जल्दी दूर ना जाए, कपड़े की बॉल लेते हैं तो वो और भी अच्छी है, उससे बच्चों की बॉल ज़्यादा दूर नहीं जाती है और बच्चे लगातार उसे किक करते हैं। अगर आपका बच्चा किक नहीं सीखता है तो उसका पाँव पकड़ के उसे सिखाइए, उसकी लेग को पकड़िए और उसे किक करना सिखाइए कि किस तरह से उसे किक करनी है, क्योंकि कई बार बच्चों को किक करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ भी आपको बच्चों को सिखानी है। और अगर बच्चा आपका किक कर लेता है तो उसे अल्टरनेटिव फीट के साथ में किक करने के लिए बोलिए कि कभी लेफ्ट से या कभी राइट फुट से वो बॉल को किक करे। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसके अलावा जॉगिंग करना या मार्चिंग करना एक ही जगह पर खड़े होकर बहुत ही यूज़फुल है बच्चों के लिए, क्योंकि इससे बच्चों को वो इनपुट मिलता है। बच्चे थक जाते हैं, उनकी फिजिकल एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है और बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ भी कम होते हैं। तो इस तरह से अगर आप बच्चे को सेंसरी इनपुट्स इन वे में देते हैं तो डेफिनेटली बच्चों में ना सिर्फ वेस्टिबुलर स्टिमिंग बिहेवियर्स कम होते हैं बल्कि उनकी हाइपर एक्टिविटी भी ज़रूर कम होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।